योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत ने अब हंगामे की शक्ल ले ली है। आज योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे में हैं। ऐसे में परिवार को भरोसा दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अभी हम इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात करेंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको एक घंटे पहले बता देंगे कि कब मिलवाएंगे। आपने तीन जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और एक नौकरी, क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे, उनसे बात होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। देखा था आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आए परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी, आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है, और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के मिलेंगे। इस बीच पुलिस और मनीष की पत्नी की बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले पत्नी से मामला सेटल करने का दबाव डालते दिख रहे हैं। मेरी बात इसमें रखी थी, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई हूं, कानून जो है आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। नहीं, अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ की एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि इसमें सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, उसने बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया। प्रियंका गांधी ने फोन पर मनीष की पत्नी से बात की, वहीं ट्वीट कर यूपी में जंगल राज की बात कही। मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच सरकार ने एक्शन लेते हुए मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मनीष गुप्ता कानपुर में व्यापारी थे, परिवार में पत्नी और 4 साल का मासूम बेटा है। मनीष की शादी 5 साल पहले हुई थी। पति पत्नी पहले नोएडा में जॉब करते थे, लेकिन कोरोना के बाद कानपुर शिफ्ट हो गए। परिवार वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही मनीष ने बीजेपी ज्वाइन की थी। ये जो मनीष जी हैं, आपके कौन हैं भाई? अच्छा, तो इनके क्या एजुकेशन है, किस तरह के रहन सहन, कैसे पढ़े लिखे थे, क्या है, कहाँ काम करते थे? पहले जो है जॉब करते थे, उसके बाद क्या एजुकेशन क्या थे? घूमने फिरने भी गए थे। पहले कभी गोरखपुर नहीं गए थे? परिवार में कभी हिंसा, कोई विवाद आपसे, कोई केस वेस कभी पुलिस से? कभी बोलूँ, कभी किसी लड़ाई बढ़ाई किसी ऐसा क्यों? किसी लॉकडाउन में यहाँ आए, अभी भी नोएडा में रहते, बच्चे भी?
अच्छा ये क्या मतलब कोई ऐसा नहीं कोई अमूमन हो जाता है किसी की लेडीज का कोई चक्कर ना हो ऐसा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है। शादी कितने सालों में की? बच्चे को साल से लड़की बच्चे एक ही लड़का। मनीष दो दिन पहले गोरखपुर घूमने गए थे जहां रात को होटल में पुलिस पहुंची और मनीष से पूछताछ करने लगी। आरोपी के इस दौरान पुलिस वालों ने मनीष की पिटाई की जिसमें उसकी मौत हो गई। मंडे को मैं अपने मित्र प्रदीप चौहान और को बुलाया था गोरखपुर में होटल कृष्णा पैलेस में उन वो रुके थे आकर के। मैं 12 बजे के करीब गया उनसे मिला और हम लोग साथ में रामगढ़ ताल भी घूमने गए 7:30-8 बजे के आसपास। फिर खाना खाए हम लोग यहाँ अदालत होटल, वहाँ से खा करके फिर होटल गए। उनको होटल पे छोड़ करके मैं वहाँ से निकला 11:30 बजे के आसपास घर के लिए। घर के लिए मैं आ रहा था, रास्ते में मेरे पास अक्षय कुमार मिश्रा था चौकी इंचार्ज फल मंडी के, फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि चंदन सैनी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एड्रेस पूछे, मैं एड्रेस बताया उनको। फिर बोले कि आप किसी गोरखपुर किससे मिलने आए थे? मैं बोला प्रदीप चौहान से मिलने आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम रूटीन चेकअप पर आए थे, वेरिफिकेशन काल थी, आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन नहीं कटा, उन्होंने कुछ बदतमीजी से उन लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गाड़ी बैक किया और वापस आ रहा था, रास्ते में मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करने लगा लेकिन दोस्तों का कॉल नहीं लगा, रिसीव नहीं हुआ। फिर मैं चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्रा जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस घर जाइए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सभी लोग ठीक हैं। फिर मैं घर ना जा करके उनके पास होटल पर आया। होटल पर आया तो होटल रिसेप्शनिस्ट और होटल मालिक ने बताया कि उनको पुलिस लेकर के गई है। मैं पूछा कहाँ लेकर गई है? तो वो बोले कि मुझे नहीं पता है, रामगढ़ ताल के पुलिस थे सभी लोग। तो मैं गया रामगढ़ ताल, वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आया था। तो हम लोगों ने पूछा अक्षय कुमार मिश्रा जी किधर के हैं? तो उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज हैं वो। हम लोगों ने सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से भी पता चला यहाँ कोई नहीं आया था। मानसी हॉस्पिटल की बात हो रहा था, देख लीजिए वहाँ नहीं गए हैं। तो मैं मानसी हॉस्पिटल गया तो वो बोले कि यहाँ पर नहीं है। मैं फिर पुनः फ़ोन होटल को करता हूँ, होटल से पूछता हूँ कि क्या है, बताइए हमारे मरीज कहाँ है तो पता कर सकते हैं आप लोग। तो बोले कि पता चला है मेडिकल कॉलेज गए हैं। मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ, मेडिकल कॉलेज जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर काउंटर पर पूछता हूँ कि मनीष कुमार कोई यहाँ पेशेंट आया? तो बोले कि सर्जरी में चले जाइए, आए थे। मैं सर्जरी गया, सर्जरी में डॉक्टर और वहाँ के सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, वहाँ गार्ड रोड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने उनको सूचित किया कि हमारे मरीज हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसे बात हो गई। मामला योगी के चुनावी क्षेत्र का है तो सवालों के घेरे में यूपी पुलिस है, ऐसे में सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक।